सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो गाइज, आज माइकल अपने लड़के से थोड़ी बहस कर रहा था, तो दोनों में बातचीत हुई और दोनों ने फिर साइकिल रेस लगा के एक बीच पे आए, जहाँ पे उसने बताया कि उसकी सिस्टर है, वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रह रही है। तो माइकल उसको चेक करने गया और उसे वाकई इस चीज़ का पता लगा। तो आज का पूरा एपिसोड इस बारे में है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स प्ले द GTA 5। Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. अभी माइकल एक पार्क में है और उसे तो गाइज माइकल अभी एक पार्क में है और उसे एक कॉल आया है। तो अभी वहाँ पे मतलब जा रहा है माइकल उससे मिलने। यहाँ पे डॉक्टर का भी कॉल आ गया। Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. तो गाइज फाइनली फ्रैंक माइकल को एक कॉल आया है और ये कॉल है डॉक्टर का और उसने इसकी अपॉइंटमेंट है। तो डॉक्टर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो फाइनली माइकल डॉक्टर से मिलने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम GPRS लगा लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो गाइज हम लोग फाइनली जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने और अभी हम रास्ते में हैं। तो फटाफट वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर हम लोग करते हैं आपसे बात। तो गाइज आज रोड पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और आप देख सकते हो कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि निकलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो सारी गाड़ियाँ लेन में चल रही है, लेकिन मुझे पहुँचना है जल्दी डॉक्टर के पास। तो गाइज मैं यहीं से ही मोड़ लेता हूँ। तो फाइनली आई थिंक यही डॉक्टर का घर है यार। तो दिस इज डॉक्टर प्लेस। तो फाइनली मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि डॉक्टर यहीं पे रहेगा कहाँ रहता है। तो फाइनली गाइस मैं डॉक्टर के पास पहुँच गया हूँ और ये डॉक्टर की बिल्डिंग है। तो देखते तो ये है डॉक्टर और ये साइकोलॉजिस्ट है, ये दिमाग का डॉक्टर है। No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough. तो गाइस डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बताओ। I can recognize a trigger when I see one. You know, shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. तो गाइज ये फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आता है डॉक्टर के पास। Episode. You know, actually it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it. Doc, I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it.
तो गाइस ये डॉक्टर को बता रहा है कि मुझे किसी भी हाल में पैसे कमाने हैं और पैसे उस गैंगस्टर को देने हैं। Any other violent urges, friend? I know. I'm just terrified that I'm sure you are, but that's really all we have time for. तो गाइस फाइनली डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि हमारा टाइम खत्म हो गया है और हम नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। तो गाइस डॉक्टर ने उसे नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए बोल दिया है कि अब टाइम खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो फाइनली वो यहाँ से निकल चुका है। तो गाइस ये डॉक्टर बहुत ही टाइम का पाबंद है और ये सिर्फ टाइम टू टाइम ही इसकी ट्रीटमेंट करता है। तो अब हम चलते हैं भाई, मार्टिन का कॉल आ रहा है, तो लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। माइकल, माय मनी, वेयर इज इट? यू डोंट वांट टू विजिट यू अगेन, नेक्स्ट टाइम वी विल कॉल यू सून। तो गाइस फाइनली मार्टिन मद्रासो का मैसेज आ गया है और उसने बोला है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो देखते हैं माइकल उसको क्या बोलता है। I cannot come to the phone right now. Call back. तो गाइस मार्टिन मद्रासो ने उसका कॉल काट दिया और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको उसके पैसे चाहिए। तो गाइज़ अभी मैं पहले जा रहा हूँ अपने घर पे और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा कहीं और। तो गाइज़ आप मेरी ड्राइविंग स्किल के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि आई एम अ प्रॉपर ड्राइवर और जस्ट आई हैव टू इम्प्रूव लिटिल बिट मोर। फाइनली गाइज माइकल अपने घर पहुंचने वाला है अब। ओ यार ट्रक, ओ शिट शिट शिट। तो गाइज फाइनली डॉक्टर के यहाँ से रिटर्न आके माइकल अपने घर पहुंचने वाला है एंड ही जस्ट अबाउट टू रीच देयर। बट यार अभी ये घर नहीं आया क्या? यही तो घर है इसका। तो फाइनली गाइस माइकल अपने घर पहुंच गया है और वो भी गेट पे है। तो अभी वो अपनी मैरिज काउंसलिंग करा के आया है। तो नाउ ही जस्ट केम। तो गाइस माइकल अभी टीवी देख रहा है चिप्स खाते हुए। तो गाइस इसका जो लड़का है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है इसलिए माइकल को गुस्सा आ गया है और वो उसके रूम में जा रहा है। I keep hearing a hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch. Guys, इसने अपने पापा को जवाब दे दिया और oh no यार, इसके पापा ने इतनी बड़ी LCD तोड़ दी गई। I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something? Besides just stand there. Why don't you hit? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well,
Nothing says I love you like smashing my fucking TV. तो गाइस अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, कहासुनी हो रही है. I'm sorry. और यहाँ पे जो इसका लड़का है वो रोने लग गया है. What things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. तो गाइस इसने अपने लड़के को बोला है कि बाहर जाओ कुछ गेम खेलो, ऐसे अंदर वीडियो गेम खेलने से हेल्थ खराब हो जाती है. तो अभी ये लोग जा रहे हैं बाइक राइड के लिए. तो चलिए बाइक राइड के लिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है. तो गाइस सबसे पहले हम चलेंगे रेंटल बाइक के यहाँ पे, जहाँ पे हमें बाइक रेंट में मिलेगी, और फिर हम करेंगे आगे का प्रोसीजर. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hell. तो फाइनली गाइज हम लोग जहाँ पे बाइक हमें रेंट लेनी है, रेंट पे लेनी है, वहाँ पे हम आने वाले हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं. और फिर यहाँ से ये दोनों करेंगे रेस कह सकते हैं, या फिर Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of force of habit. तो फाइनली हम लोग बाइक रेंटल शॉप के पास आ गए हैं. तो अब हम बाइक लेंगे रेंट पे. Oh, you must be looking to get laid down. Hey, you. Two bikes. Take your pick. तो फाइनली गाइस हमें दो बाइक लेनी है, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ. Yo, thanks. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. तो गाइस अभी इन दोनों में रेस लग रही है कि देखते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा. तो भाई ये तो कहीं और से जाना था मुझे, मैं गलत जा रहा हूँ यार. तो गाइस अभी बाप और बेटे दोनों में रेस लग गई है कि कौन पहले पहुंचता है, और जो पहले पहुंचेगा वो आइसक्रीम खिलाएगा. तो गाइस देखते हैं जिमी से मैं पहले पहुंच पाता हूं कि नहीं. ओह शिट यार, कहां गया वो? यार मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है. तो चलिए मैं फाइनली रोड पे आ गया हूँ. अब देखते हैं हम जिमी को पकड़ पाते हैं कि नहीं. जिमी ब्रो, जिमी सन, माय सन, आई एम जस्ट कमिंग ब्रो. अरे यार ये जिमी बहुत तेज चल रहा है यार. मैं तो इसको सोचता था कि यार ये सिर्फ गेम वेम खेलने में बिजी रहता है, बट ये तो काफ़ी तेज चला रहा है साइकिल. तो गाइज़ अभी हम लोग एक बीच पे हैं जहाँ पे झूले वगैरह भी हैं, और जिमी यार बहुत आगे चला गया है. तो गाइज अभी ये मैं कहीं दुकान वकान के पास आ गया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं. ओह नो यार, जिमी तो पहुँच गया भाई. मेरा बहुत तेज चला रहा है. तो आई थिंक लग रहा है मुझे जिमी जीत जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही तेज चल रहा है और मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे. यार सॉरी गाइज, मैं रास्ता भूल भी आ रहा हूँ, और आई थिंक जिमी वहाँ पहुँच गया है. अच्छा इसके ऊपर चढ़ना था भाई. तो यार जिमी फाइनली आई थिंक वहाँ पहुँच गया है वहाँ पे, और मेरे को आज वो बहुत ही सुनाएगा कि देखो
I'm still fit. तो गाइस प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि साइकिल चलाने का मज़ा कैसा, साइकिल चलाते हुए ये सीन आपको कैसे लग रहे हैं। तो गाइस ये रहा जिमी, जिमी थक गया है। तो फाइनली जिमी जीत गया है भाई। You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best. Finally, Jimmy को अच्छा लगा साइकिल चला के. You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a... Guys, finally, इसने कुछ बताया है कि इसकी जो सिस्टर है वो उस बोट पे कुछ सही काम नहीं कर रही। This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait. तो गाइस ये फाइनली उस बोट पे जा रहा है और ये फाइनली अंदर चला गया है। अब ये स्विमिंग करके ऊपर जाएगा। Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Ah, man. Come. I like that. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on, now. I'm about to skin you alive. God damn it. Go. Shit, they're coming. I don't get played like that! In the tunnel! Go away before my dad kills you! Yes! Oh my god! Did you just kill him? Hey, don't worry! It's amazing what modern medicine can do! Run, okay? My dad's gone crazy! They're both dead! I can't believe this! Just calm down, ass porno people, and done blow! You didn't know I did blow until I told you I did blow, so this... I see that traitor! Jimmy! Jimmy! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life.
सो गाइज, आपको आज की वीडियो आई थिंक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ GTA 5 सून। टिल देन सी यू गाइज।